रोक लो, हम भी रोक रहे हैं। काम रखो, हम खड़े हो, जियो हूं खड़े होने की बोलने का ठीक है। उठाओ जा बोलना ठीक हो जाता है। ये पद अधिकारी बनेगा वो गौ सेवा क्या सैनिक बनेगा। दूसरी मांग, सारी इस चैरिटी जिस चैरिटी चला रही है उस पर मुकदमा होगा। वह गौशाला तो बाहर आएगी और मुकदमा होगा गौ कसाई का, 10 साल का प्रावधान है सजा का, सब पे एक एक पे। तीसरी मांग, गौशाला जाए तो पंचायत राज से चलेगी, जय सरकार से चलेगी। यह मांगे बताओ, और एक चीज और, आने वाले सरकार, आने वाले हरियाणा हिंदुस्तान में जान लियो, कोई गौशाला अगली बार या करती पाई इब हम शर्म करा, अगली बार रोकनी या नहीं पाएगा कोई हमने। यह चीज हरियाणा गौशाला कोई भी हो, आज तक शर्म है, अगली बार नहीं पाएगा कोई सा। तीन मांगे पूरी होनी चाहिए और रिटर्न में भी, रिटर्न में चाहिए। या हमें SDO साहब बड़े, DSP साहब बड़े, ई बात बता दो जी कितना टाइम चाहिए। आराम से भाई, आराम से। हाँ जी सर, बिल्कुल सर, आप गौ भक्तों ने अपनी मांगे रख दी हैं, क्या कहना है इसमें आपका? करेंगे इसमें बात करेंगे, बता दिया। अरे मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं वापस यही आऊंगा। मैं किस घंटे तो मैं शुरू से लास्ट तक अब तक यही हूँ। एक बार आप बात कर गए, एक बाबू, एक बाबू का एक बार सुन ले भाई, एक बार रुको, सुन ले भाई, सुनो रे, एक बार रे सुनो जी सर। अभी बात किस से, क्या बताएं, जो मांगे रखी हैं गौ भक्तों ने। अभी बात कर रहे हैं इनसे, अभी बात कर रहे हैं उस्ताद, ये बात तो नहीं खत्म होंगी, बात चले जाएंगी और कुछ नहीं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होंगी, ई हम घर चले जाएंगे, तड़का के फिर प्रशासन पास पूछो ना, मामने तो मांग लिया, हमने तो मांग लिया, चाहिए मामने तो, हमने तो भीतर जान क्या देने दे, क्या चीज है भीतर, हम क्या ठा लेंगे उनका, जब ये अरेस्ट हो लिया हम करेंगे क्या भीतर, हम पूरा साल हो गए, पूरा साल चंदा चंदा भीतर जस के है, चंदा चंदा भीतर जस के, इब सजरात पे चंदा जावा, जो उठा जब उन पे जावा, तूड़ी क्यों लाग रहे, ये भीतर क्यों नहीं जान देंगे। मुकाय वारदात पे जो खाल है, जो डिया है गाय को मिली आपको? कर रहे हैं जांच, नहीं सर मिली क्या वो अड्डी और खा, अभी जांच कर रहे हैं इसमें, अभी थोड़ा तरक्की की जांच नहीं हो रही, मान गया भाई, तो फिलहाल भाई तो फिलहाल जो है तुम देख सको, फिलहाल तो हम देख सको किस तरह से पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे हैं, और जो मांग है गौ भक्तों की वो मांग, हाँ भाई बिल्लू बक्सर भाई, ये मांग जो है पुलिस प्रशासन को कहीं हजम नहीं हो रही, हजम नहीं हो रही, साइलेंट है पुलिस प्रशासन जो है, चुप है। तो फिर आधा घंटे बाद हम गौशाला की कूच करेंगे, आधा घंटा और या टाइम वेस्ट करा पुलिस वाले, एक घंटा ये आपकी मांगे, यदि आपकी मांगे आठ घंटे में नहीं मानी जाती है तो अगला स्टेप क्या होगा? गौशाला की तरफ जाएंगे जी, धरना देंगे उधर बैठ के, शांतिपूर्वक धरना देंगे। हाँ आप तभी रिक्वेस्ट है, एक बार आप परली साइड का मुझे हटाओ, परली साइड मेरे कहने नहीं, पूछो एक बार क्यों जान दे रहे, के चक्कर है के नहीं मिला, ड्रोन घुमा दो, भाई ऊपर गौशाला के ऊपर ड्रोन घुमाना चाहिए, ड्रोन घुमा दे ऊपर गई भी सफाई होंगी पावी, ड्रोन घुमा दो, पोल खुल जाएगी, लाइव चला दे सीधा, ये जो जो व्यवधान पैदा करे जान लग रहा है, यह जो रुकावट है, कल भी जैसी भी चल रही थी गौशाला में, आडी रह रही है, खाल खुल सारी उस कमरे की सफाई कर दी। तो फिलहाल जो गौ भक्तों के बहुत बड़े बड़े आरोप हैं, इनका कहना है कि भाई किते न किते जो दड़ोली गौशाला है उसमें जो दर्दनाक और दुखद जो दृश्य थे उनका किते न किते को सफाई अभियान चल रहा है, ये कहना है गौ भक्तों का। सफाई तो रात की जैसी भी चल रही है जी, कहल की सफाई सफाई तो करवा दी जमा, लोगों के हाथ है या खाल है तो साफ करवा दिया जमा, ऐसा कर दिया जो बटे हुआ रहे हैं, कुछ नहीं रहा जोड़ है, आठ उठ सर कटे पड़े थे कुछ नहीं रहा जी, सारा सोता साफ करवाया कर, तस्वीरें थी वो है तो जी, इस भाई ने वीडियो बनाए पास फंसाए, फिर तो रहते ला दी जैसी भी काम पे, अब भाई सफाई करवाओ नहीं हम लांगे,
काफी मामला जो है वो गर्मा गया है। फिलहाल देख सको हो पुलिस प्रशासन के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं और गौ भक्त हैं, ये भाई नूनो ले, फिलहाल ये देखो नूनो ले थोड़ा, तो ये देख सको हो फिलहाल जो है वो जो गौ भक्त हैं वो चल पड़े हैं। शाम में तो हम देखोगे प्रशासन है और एक तरफ जो है तो हम देख सको हो गौ भक्त हैं, दूसरी तरफ प्रशासन है। हालांकि प्रशासन और गौ भक्तों के बीच में बातचीत भी चली कुछ देर तक, लेकिन वो बातचीत बेजतन रही। जय जय जय। अगर आज लाठी चार्ज का काम होता तो एक एक गौ सेवक पे, एक एक किसान के बालक पे, एक एक हिंदू पे होता। फिलहाल जो है गौ भक्तों का लाभ लश्कर वो दरौली गौशाला की तरफ चल पड़े है, तो गौशाला दरौली की तरफ जाने वाला जो रास्ता है उसके ऊपर पुलिस ने नाका ला लिया है। फिलहाल तो पुलिस प्रशासन का साफ तौर पर कहना है भाई जब 10 आदमी आएगा बातचीत करना चाहते हो इस मामले पे तो वह बातचीत कर सके हैं। 10 आदमियों को बातचीत का न्योता पुलिस प्रशासन के द्वारा दिया गया है। थोड़े बच्चे भाई थोड़े पास, पुलिस प्रशासन के द्वारा 10 आदमियों को न्योता दिया गया है भाई। सभी में बात हो जाएगी, तो फिलहाल तो हम देख सको ये लाइव तस्वीरें और पुलिस प्रशासन ने 10 आदमियों को न्योता दिया है। कैमरामैन विक्की थी कुंभ हमें श्यामी आज भाई, तो फिलहाल जो है पुलिस प्रशासन ने ताकि मामले का समाधान कराया जा सके 10 आदमियों को न्योता दिया है कि भाई 10 आदमी जो है इस मामले के ऊपर बातचीत कर सके हैं और इस मामले की छानबीन करी जावे। तो फिलहाल तो हम देख सको हो दड़ौली गौशाला का ये जो मामला है और हाँ जी 10 आदमियों को बातचीत करना होता है। हमने ये कहा इनको 10 आदमी आए, 10 आदमी आके हमारे से बात करें, ये छोटे बच्चे हैं पीछे हो जाएं, जो इनकी बात है हमने भी वहाँ पर सुन ली है और एस डी एम साहब हमारे साथ हैं, हम दो DSP यहाँ हैं, SP साहब से बात हो चुकी है और जो भी ये बात हमारे करेंगे हम फिर DC साहब से बात कर जो मान्य होंगी वो करेंगे, लेकिन 10 आदमी आए ज़्यादा ये भीड़ लगाने की कोई फायदा नहीं है। हाँ देखो भाई सारे में बातचीत को नहीं हुआ, सुनो एक मिनट, सुनो सुनो रुको भाई एक मिनट सुनो ध्यान, सुनो मैं एक बात कहूँ, सुनो बैठ जाओ बस दो मिनट जी। हम सारा की बस तीन मांग थी, पहली मांग जो भी आगे कोई पद अधिकारी बने जो भी चैरिटी चलाएगा वो जय तक हो सेवक हो जय सैनिक हो। दूसरी मांग ये सारी चैरिटी हटनी चाहिए, इसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए गो कसाई का, एक नींद ने लाखों गाय काट दी। तीसरी मांग जो ये गौशाला है आप SDM साहब आपके हाथ में, ये गौशाला सारी की सारी पंचायत राज में या सरकारी में होनी चाहिए, बस ये तीन मांग है, मांग हमारी बस ये तीन। कोई नहीं बात होली वैसे हमने तीन मांग दी थी, ठीक है एक मिनट रुक जाओ, अरे दो मिनट चुप कर जा भाई, दो मिनट चुप करो। हाँ तीन तीन मांग बता देनी, अच्छा जवाब दे जी, जवाब सुन लो भाई, बैठ जाओ शांति से पीछे, एक मिनट बैठा दो, एक मिनट सारे ने बैठा दो, बैठ जाओ भाई बैठ जाओ, एक मिनट तो कालू कुड़ल जो है इस मामले में भाई बिठा दो, जय आरे आजम सर, एक बार आजम साहब जवाब दें, आप बैठ जाओ सारे, एक मिनट चुपे करा जी, एक मिनट सारे ने बिठा दो एक बार। हाँ जी बोलो सर, बात ये है जो ये कमेटी आप कह रहे हो ना इसको हम पंचायत डिपार्टमेंट जैसे BDO को इसमें बना देंगे, यानी सरकारी कमेटी बना देंगे इसमें, ठीक है ये आपकी बात मान ली है, बिल्कुल बना देंगे कोई इशू नहीं है। दूसरी बात FIR का, FIR हो चुकी है, FIR में जितनी भी अब तफ्तीश होगी ना जो भी FIR है उसमें जिसका भी नाम आता जाएगा वो शामिल होता जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, FIR हम दर्ज कर चुके हैं। दूसरी बात और तीसरी आपकी फिर से एक बार बता दो क्या था, इसमें कोई सैनिक आप शामिल करना चाहते हो, गांव का कोई भी सैनिक होगा ना गौ भक्त होगा वो हम शामिल कर लेंगे, इसमें कोई बात नहीं है, आपके पास आ चुकी है, आप मौके मौजूद हो, अभी आप एक काम करो सिर्फ लिख के दे दो, उसके बाद यह सारी भीड़ ऑटोमेटिक एक
मैंने जो बता दी आपको वर्बली बता दी है, वर्बली बताइए आपने, ये लिखित में दे दूं? सुनो, लिखित लिखित से बड़ा रिकॉर्डिंग होगी, इससे बड़ी रिकॉर्डिंग होगी, मैं दे देता हूँ, मैं लिखित में। अच्छा देखिए करना, सुनो, कोई नहीं मानता, अब सुन तो ली ना, चलो ठीक है, लिखित में ले ली, लिखित में ले ली ना, लिखित में दे, वर्बली बोल दिया, अब लिखित में दे। सुनो सर, अब मैं बताई बात, अरे गागन है, घटिया भी लिखियो जी, थारी सारी बात हो चुकी है, अब लिखित में 10 ही आदमी आए और हमें दूर बिठा के आ जाइयो, हम आपको बात करेंगे, अब आगे कोई होगा, अच्छी बात नहीं है ये, बात गलत है, मैं देता हूँ लिख के, ठीक है, ठीक है, हम आपके पास आने लग रहे हैं, 10 आदमी उस साइड, हम नहीं रोकेंगे, हम काम रखो, हम खड़े हो जियो, हम खड़े होने की बोलने का, ठीक है, हटाओ जा, बोलना ठीक हो जाता है, बता दिए अभी तक नहीं, मैं भी तो बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन बोलना ठीक कर लो, 10 आदमी लेकर आ जाओ, थोड़ी देर के लिए साइड चलेंगे हम, आप वो लिखित में लिखित में, कोई बात, आप लिखित में दे, आप लिखित में दे, ठीक है, आ जा कालू, आ जा कालू, बुला ले, एक बार सिलेक्ट कर लो, पहले 10 आदमी को सिलेक्ट कर लो, आप थोड़ा पीछे करो, थोड़ा पीछा लेगा, फिर पीछा लेगा, फिर पीछा लेगा, फिर सुनो भाई, आराम से बैठ जाओ सारे, ऐसा है, सुनो, पुलिस प्रशासन, सुनो, भीड़ का काम कौन नहीं, एसडीएम साहब एक बात कब है, तारी तीनों मांग इबे लिखित में दूंगा, 10 आदमी आ जाओ, ठीक है, 10 आदमी हम जावा, लिखित में लेवांगे, और गिल्ला प्रशासन तो एक मांग है, आड़े होगी, तुम 2 मिनट आड़े बैठे रहे, हम लिखित में लागे पर्चा दिखावा, वो जिला पार्षद खड़ा है भाई, वो जिला पार्षद आड़ा खड़ा है, ठीक है, आड़े बैठे रहिए भाई, मैं जावा, आड़े बैठे रहिए भाई, अगर आइयो, अगर आइयो मामी भाई, और एक काम और करो, उनको धर्मोजी आप पत्रकारिता भी है, वो इंसानियत जवाब, आप आ जाओ।